हेलो फ्रेंड्स, स्नेहा कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन वाला चौलाई साग। तो उसके लिए ये हमने 500 ग्राम चौलाई साग लिया है और इसे हमने अच्छे से, जैसे ये बहुत ही बड़ा बड़ा होता है या फिर छोटा भी होता है, तो इसे हम इस तरह से तोड़कर और इसका हमने रेशा निकाल लिया है और इसे हमने अच्छे से 4 से 5 पानी से धो लिया है, क्योंकि इसमें साग है तो साग में मिट्टी तो होता ही है और धूल भी बहुत ही पड़ा हुआ होता है। तो इसे हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। इसे बिहार में गिनहारी साग के नाम से भी जानते हैं, ऐसे तो ग्रीन साग बोलते ही हैं, ग्रीन चौलाई। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ इसे बनाने के लिए। ये हमने चढ़ा लिया है गैस पे कढ़ाई और इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई हमारा अच्छे से गर्म हो गया, तो इसमें हम डाल लेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ये जो साग है बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप हो सके तो मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइएगा। तो अब तेल को भी हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया, तो इसमें हम डाल लेंगे 1 लाल सूखा मिर्च और इसे हम थोड़ा सा चटकने देंगे। ये मिर्ची हमारा तड़क गया है, तो अब इसमें हम डाल लेते हैं 2 प्याज हम डाल लेंगे और 1 हरी मिर्च और 5 से 6 लहसुन की कलियां, इसे भी हमने बारीक में काट लिया है। इसमें लहसुन आप जरूर डालिएगा अगर आप खाते हैं तो, अगर नहीं खाते हैं तो उसे आप स्किप कर लीजिएगा। तो इसे डालकर हम हल्का सा गोल्डन होने तक प्याज और लहसुन और मिर्च को भून लेते हैं। इसमें मिर्च आप ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो आपका जो साग है बहुत ही तीखा हो जाएगा। इसमें कम ही मिर्च पड़ता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो इसे हम हल्का सा गोल्डन होने तक भून लेते हैं। ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन हो गया है, इसे हमने बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन होने तक भून लिया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से गोल्डन हो गया है। अब हम डाल लेंगे इसमें जो हमने साग को धोकर रखा है, और गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे। लग रहा होगा कि इतना सारा साग इसमें नहीं अटेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से जब गल जाता है तो बहुत ही आसानी से अट जाता है। ये हमने सभी साग को डाल लिया है और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी गल जाता है, तो इसे हम थोड़ा सा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर देते हैं। इसमें थोड़ा बहुत मेरा लाल वाला भी साग था। इसे हमने अच्छे से पलट लिया है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हमने कर लिया है। देख सकते हैं साग बहुत ही जल्दी इतना गल भी गया है, ये बहुत ही जल्दी गल जाता है और बहुत ही कम हो जाता है। तो इसमें हम अब डाल लेते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। आप नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि साग बहुत ही कम हो जाता है पकने के बाद, तो अगर आप ज़्यादा डाल दीजिएगा, बहुत ही नमक ज़्यादा हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा और स्वाद भी बिगड़ जाएगा। तो इसे हम अच्छे से इस तरह से मिला लेते हैं और इसे ढक कर स्लो फ्लेम पर पकने देते हैं ताकि ये साग अपना पानी छोड़ दे और ये बहुत ही जल्दी गल जाए। तो हमने स्लो फ्लेम पर इसे ढक दिया है, बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे पकाते जाएंगे। ये देख सकते हैं साग जो है पानी छोड़ दिया है, तो इसे हम एक एक बार बीच बीच में मिक्स करते हुए इस तरह से इसे मैश करते जाएंगे ताकि ये जो है साग भी अच्छे से मैश हो जाए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसे हम इसी तरह से स्पैचुला से हम जोड़ते हुए इसे पकाएंगे। तो बीच बीच में हम इसे इस तरह से चलाएंगे और फिर ढक देंगे। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। बीच में हमने और भी 1-2 बार चला लिया है,
और इसे अब हम एक बार चेक कर लेते हैं ये हमारा चौलाई सीझा है या नहीं। ये देख सकते हैं देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए ये साग जो है अच्छे से पक गया है, ये देख सकते हैं इसका जो डंठल है वो भी अच्छे से चूर हो गया है। तो ये हमारा चौलाई अच्छे से पक गया है, तो इसे अब हम गैस का फ्लेम हाई करके और थोड़ा सा इसे लगातार चलाते हुए हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इससे क्या होता है कि इसका जो साग में सोनापन आ जाता है उससे बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो इसे हम इसी तरह से 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेते हैं। इसे हमने 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर पका लिया है, ये बहुत ही अच्छे से पक गया है आप देख सकते हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हम प्लेटिंग करके दिखाते हैं ये कितना टेस्टी बना है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, और साग तो ऐसे भी बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर में बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो देख सकते हैं ये कितना लाजवाब सा रेसिपी हमारा बनकर रेडी हो गया है, और इसे आप दाल चावल के साथ खाइए, ये सिर्फ चावल के साथ रोटी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना। तो चलिए इसे हमने आज बनाया है चावल के साथ में, तो चलिए अब हम चावल के साथ इसे सर्व करके दिखाते हैं। इसे आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसे चावल के साथ ही सिर्फ बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और आज का रेसिपी अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस साथ में हमने आम का ठेचा लिया है, ये खट्टा रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है खाने में साथ में। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।